वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली नोज गार्ड स्क्रीन के बारे में, कैसे यूज़ करना है इसे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, किस टाइम यूज़ करना है। तो आज मैं नोज गार्ड स्क्रीन के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना रही हूँ। और ये नोज गार्ड स्क्रीन में 20 ग्राम की क्रीम है, जो कि नियर अबाउट 250 और 270 अप डाउन हो रहते रहते हैं, इसके प्राइस इतने में आती है। नोज गार्ड स्क्रीन क्लेम करती है कि आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करती है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है, अगर आपके पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, उसको रिमूव करती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो तो इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, इसे मेनली नाइट में यूज़ करना चाहिए। अगर आप दिन में यूज़ करते हैं तो जो सन की जो रेज आती हैं वो हमारी स्किन को टैन करती है, और उस टाइम जब हम यूज़ करते हैं इसे तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज़्यादा टैन होती है। और इसको यूज़ करने के बाद हमें हमेशा सनस्क्रीन लगानी चाहिए, 40 SPF प्लस होनी चाहिए वो, और हर 2-3 घंटे में हम सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। और जैसे मैंने, अगर मेरी बात करूँ तो मैंने इसे स्टार्टिंग में यूज़ किया था, जब नियर अबाउट मैंने इसको 10-15 डेज यूज़ किया तो स्किन एकदम ग्लोई हो गई थी और डार्क स्पॉट रिमूव हो गए थे, जो भी फेस पर पिगमेंटेशन थी, ऑल ओवर कुछ भी अगर ऐसा था तो सब कुछ रिमूव हो गया था। बट अगर जैसे ही मैंने इसे लगाना छोड़ा तो स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी मेरी, और धीरे धीरे जो बम्स होते हैं पिंपल्स जैसे, वाइट हेड्स होते हैं, वो आने लग गए थे। तो एकदम फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि इसे कैसे करें। फिर मैंने डॉक्टर से रिकमेंड किया, वो बोले कि इसे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसे मान लो आज यूज़ किया मैंने इसे, फिर 2 डेज बाद यूज़ किया, एंड धीरे धीरे ऐसे 10-15 डेज यूज़ किया, तो उससे मेरी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, ना ही मेरी स्किन ज़्यादा डार्क हुई और ना ही कोई इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो इसे रेगुलर यूज़ नहीं करना है, ऐसे आप एक दिन लगाकर 2 दिन छोड़ सकते हैं। और सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो वो बाहर जाएंगे तो स्किन टैन हो जाएगी, और ये हमेशा नाइट में यूज़ करनी है। दोबारा बोल रही हूँ, रोज़ यूज़ नहीं करनी है और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करनी है। अगर आप इसे 10-15 डेज लगाते हैं, अगर बीच में गैप लेकर जैसे मैंने अभी बताया, तो ये आपकी स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी और आप इसे आगे भी यूज़ कर सकते हैं। और इतने दिन लगा के 10-15 डेज में जो गैप दे के यूज़ कर रहे हैं उसके बाद छोड़ दें, फिर दोबारा 1 वीक बाद फिर वैसे करें, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और इसमें ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो कि स्किन को साइड इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे फेस पर फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो परमानेंट डैमेज भी कर सकती है आपकी स्किन को। तो बहुत ध्यान से यूज़ करो, जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली अगर वैसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे यूज़ किया है और इसी तरीके से किया है, तो इसने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया मेरी स्किन पे। और जैसे पहले बताया कि रेगुलर यूज़ किया और नाइट में, तो मुझे पता मैंने कैसे अब ठीक किया फेस और पहले से, और मैंने फिर से यूज़ किया जैसे 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, तो मैं अब देख सकता है ये, बिल्कुल दिखाऊँ मैं अगर तो इतनी सी हो चुकी है सिर्फ क्रीम। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ अब भी कभी कभी, तो आई एम हैप्पी विद डैट। हाँ, ये क्रीम करता है जैसे वैसे करता है, बट नॉट रेगुलरली। ओके, सो अगर कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। Thank you. Be safe.